उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का मानना है कि भारत और चीन को अपने मतभेदों को दूर करने के साथ पंचशील के सिद्धांतों की बुनियाद पर नया भरोसा कायम करना होगा। बीजिंग में पंचशील संधि की 60वीं सालगिरह पर हुए एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भले ही कुछ मुल्क विकास के अलग पड़ाव पर हों, मगर उनके तजुर्बे साझा तौर पर फायदेमंद हो सकते हैं। बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पंचशील के सिद्धांतों को दुनिया के लिए जरूरी करार दिया। पंचशील समझौते की सालगिरह पर हुए समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि पंचशील के सूत्र ही विकासशील देशों की चिंताओं को दूर कर सकते हैं। पंचशील कैन हेल्प अस एक्सप्लॉइट दिस पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन एंड कम अप विद फ्रेश इनोवेटिव इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ आवर पीपल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा इस शिखर वार्ता में म्यांमार के राष्ट्रपति यू थेन सिन भी मौजूद हैं। चीन से भारत के रिश्तों को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा बहुत कुछ है जो दोनों देशों को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया चाइना एंड म्यांमार आर बाउंड बाय एज ओल्ड लिंकेजेस एंड जियोग्राफी। वी मे बी एट डिफरेंट stages of development, but we can learn from each other's national experiences. Considering the development trend and China's fundamental interest, it's a strategic choice to stick to a peaceful development path. China is steadfastly continuing its peaceful development path, which is in the best interest of China, Asia, and the world. पंचशील सिद्धांतों की वर्षगांठ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी चीन और म्यांमार के राष्ट्रपतियों को बधाई दी। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने चीन की महान दीवार को भी देखा। दरअसल शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को ही पंचशील कहा गया है। पंचशील सिद्धांतों पर पहली बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने अमल शुरू किया था। 28 जून 1954 को नई दिल्ली में दोनों देशों का संयुक्त बयान जारी हुआ। इसमें कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, वो एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखेंगे। उन्हें सिद्धांतों की सालगिरह पर उपराष्ट्रपति का ये चीन दौरा दोनों मुल्कों के बेहतर भविष्य की नई शुरुआत कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो समझने की कोशिश करेंगे कि पंचशील के 60 बरस के बाद जो फंक्शन हुआ उसके बाद अहम सवाल ये है कि 60 साल में किस तरह का बदलाव दिखा है और जो सिद्धांत तैयार किए गए थे क्या उनके सहारे हम आगे बढ़े हैं या फिर वक्त के साथ इसमें कुछ बदलाव हुए हैं और आगे इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश नजर आती है। हमारे साथ मौजूद हैं कई खास मेहमान जो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका परिचय करा दूँ। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं, TC रंगाचारी साहब जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। हमारे साथ हैं अलका आचार्य जो कि डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज जेएनयू से, अलका जी स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं रामकृपाल सिंह जो कि एडिटर हैं नवभारत टाइम्स से, रामकृपाल जी बहुत स्वागत है आपका। और RSS के थिंकर राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, राकेश जी आपका भी स्वागत है। और बीजिंग से हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संजय कुमार मौजूद हैं। सबसे पहले संजय आपसे समझना चाहूँगा जो ये फंक्शन हुआ और जो अहम बातें दोनों ही पक्षों की ओर से पंचशील को लेकर कही गई वो क्या गाइडलाइन नए तरीके की दिख रही हैं या फिर वक्त के साथ मैं कहूं किस तरह के बदलावों के साथ आगे बढ़ने की एक कवायद या संकेत। जी कविंद्र, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। दरअसल आज बहुत ही भव्य समारोह हुआ ग्रेट हॉल ऑफ चाइना के अंदर, जहां 700 लोग मौजूद थे और वहां चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और म्यांमार के राष्ट्रपति थेन सेन भी मौजूद थे। वहाँ भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया ताकतवर होती जा रही है और जो आपस में विवाद बढ़ रहे हैं वो विवाद भी उसी रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पंचशील सिद्धांत की जो अहमियत है वो और भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि शांति और सह अस्तित्व पंचशील का बुनियादी सिद्धांत रहा है और यही सिद्धांत आज दुनिया को एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ जीने की कला सिखा सकता है। जी,
और संजय, क्या इसके अलावा जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में पिछले हाल के कुछ वर्षों में हम कहें तो लगातार सीमा क्षेत्र को लेकर या फिर बाजार को लेकर या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व को लेकर एक अघोषित, मैं कहूं मुकाबला सा दिखा है, क्या इसके बीच में कुछ नई रूपरेखा आपको नजर आ रही है इस खास समारोह के बाद? जी कविंद्र, दरअसल सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति महोदय ने तो इस पर ज्यादा नहीं कहा जी। हालांकि उन्होंने इशारे में कहा कि जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत और चीन के बीच जो ट्रेड गैप है वो बहुत ज्यादा है और उस जिस तरह का ट्रेड गैप है वो इस तरह नहीं चल सकता लंबे समय तक। और इस समारोह के बाद जो हमारी विदेश सचिव है सुजाता सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी। जिसमें उन्होंने एलैबोरेट किया कि एक चीन के साथ एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना है जो चीन भारत में बनाएगा, इस पर एक सहमति बनने जा रही है। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो है कि उनका कहना है कि जो ट्रेड बैलेंस है उसको भी ठीक करने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त जो है वो ट्रेड डेफिसिट लगभग $30 बिलियन का है जी। बिल्कुल, भारत और चीन के बीच में चीन जो है वो $48 बिलियन का निर्यात करता है भारत में और जबकि भारत केवल $17 बिलियन का निर्यात करता है, यानी तकरीबन 3 गुने का फर्क है जी जी। और इस फर्क को मिटाने की जरूरत है। भारत के राजदूत अशोक कांता साहब ने भी बताया कि ये इस भारत के लोगों को चीन में क्या सामान बेच सकते हैं ये बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश भी लगातार हो रही है। बिल्कुल। एक और अहम बात मैं बता दूं कि जो सीमा विवाद को लेकर भी काफी द्विपक्षीय बातचीत में काफी अहम बातचीत हुई है और दोनों ही देश इस बात पर तैयार हुए हैं कि बगैर शांति के दोनों देश का विकास नहीं हो सकता। जी संजय, शुक्रिया आपका वहां से हमें ताजा अपडेट देने के लिए। तो रंगाचारी साहब, आपने सुना हमारे सहयोगी जो बता रहे थे आज खास मौका, लेकिन मैं समझना चाहूंगा क्योंकि आप वहां पर रहे हैं और अगर पिछले 60 साल में जिस रिश्ते को एक आधार बनाया गया, जिन उद्देश्यों के लिए पंचशील के फॉर्मूले को आगे बढ़ाया गया, पिछले 60 बरस में किस तरह का असर आपने देखा भारत और चीन खासतौर पर इनके रिश्तों पर? मैं समझता हूँ कि जो सिद्धांत हैं उनको और जिस तरह से उस पर अमल हुआ है या नहीं हुआ है, ये दोनों मुद्दों को अलग रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक सिद्धांतों का सवाल है, ये तो जैसे उपराष्ट्रपति जी ने भी कहा है आज के भाषण में कि इसमें कंटिन्यूइंग रेलेवेंस है, मतलब कि ये ऐसी सिद्धांत जो है, ये ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि आगे भी हमारे काम आएंगे। और ये कहाँ से आई हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे सभ्यता और जो हमारे सिविलाइजेशन है संस्कृति वगैरह से बटोर करके निकाली गई है, उस पर कहाँ तक के अमल हुआ है ये हम जानते हैं, क्योंकि 62 में जो कुछ हुआ है और उससे पहले जो विवाद रहा है और अभी भी जो आजकल चल रहा है, अभी भी ताज़ी खबर ये है कि जो नए नक्शे वगैरह छपे हैं उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे को हिंदुस्तान में कुछ आशंकाएं वगैरह होनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसी जिसमें ज़रूर सवाल उठ सकते हैं कि इन पर सही तरह से अमल हो रहा है कि नहीं। और इससे हमें जो बाकी आर्थिक वगैरह जो मामले हैं उनको इससे अलग रखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह पे अहम है और उनका जो आगे विकास होगा दोनों देशों के संबंधों में, आर्थिक विकास वगैरह जो कुछ होगा वो अपने अलग रास्ते पे चलेगा, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज़ हैं पंचशील में वो अभी भी ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, ना सिर्फ चीन के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक रेलेवेंस रखती है। अगर हम उस पर अमल करें तो बहुत अच्छा है, अगर ना करें तो हम सिद्धांतों को दोष ना दें जी। राकेश सिन्हा साहब, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर रहा है पिछले कुछ वर्ष में भारत और चीन के साथ और पंचशील को लेकर दोनों देशों ने एक तरीके से, मैं कहूं कि एग्रीमेंट किया, सिद्धांता सहमति के तौर पर आगे बढ़े, क्या वाकई वो एक आम जनमानस के लिहाज से आपको लगता है कि कायम होता नजर आया है, कमजोर होता नजर आया है या फिर प्रासंगिक है लेकिन सही तरीके से शायद अप्रोच कहीं कुछ कमजोर या गड़बड़ कही जा सकती है? देखिए, पंचशील के सिद्धांत में जो घोषणा की गई है उसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा में नहीं था। कोई भी नई बात नहीं कही गई थी, सिर्फ इतना ही था कि चीन और भारत के बीच संबंधों को रीस्टेट करना, संबंधों में एक नई दिशा, इसके लिए पंचशील बनाया गया था। इसका पूरा लाभ
चाइना ने उठाया। उसके दो उसके महत्वपूर्ण लाभ थे, एक तो सोशलिस्ट कंट्री से हटकर नॉन सोशलिस्ट कंट्री की तरफ उसकी विदेश नीति गई, दूसरा उसका लाभ यह था कि उसको एक लेजिटिमेसी मिली। पूरे विश्व में चाइना उस वक्त एक आइसोलेशन के फेज से गुजर रहा था, उसको लेजिटिमेसी मिली। उसके अलावा भारत के संदर्भ में पंचशील का सिद्धांत, एक पत्रकार ने उसमें एक एडिटोरियल लिखा था 1962 वार के बाद शंकर स्विकली में, उसमें उन्होंने लिखा था कि रोड टू डिसऑनर, नेहरू की पूरी पॉलिसी ये हमारे अपमान का रास्ता था। और मुझे लगता है कि देखिए, चाइना के साथ ट्रेड बढ़ना चाहिए, चाइना के साथ निगोशिएशन डायलॉग बढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात पर एम्फेसिस करना चाहिए, चाइना पीसफुल कहता है, शांति शांति की बात करता है। अभी अंसारी साहब वहाँ सम्मेलन में बोल रहे हैं, वहाँ चाइना में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, दूसरी तरफ चाइना के मैप में अरुणाचल प्रदेश को दिखाया गया है, तो दोहरा व्यवहार नहीं चल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि विदेश नीति के क्षेत्र में जो नई सरकार आई है, उसकी जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, वह शायद चाइना पे एक दबाव की नीति के रूप में काम कर रही है और शायद करेगी, ऐसी आशा की जा सकती है। लेकिन अब तक चाइनीज सरकार की नीति लाइन ऑफ कंट्रोल को चाइना हमेशा डिफाइन कर देता है। जब आप कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल आप क्रॉस कर रहे हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल नया खींच देता है। तो चाइना को भारत के की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात है कि कम से कम अरुणाचल जैसे प्रदेश को भारत में दिखा, अपने मैप में दिखाना और आज के समय में दिखाना, जब वहाँ पंचशील पर सम्मेलन हो रहा है, ये दिखाता है कि चाइना बहुत सीरियस नहीं है पंचशील के प्रति। चूंकि आज ट्रेड का दबाव है, देखिए एक बात समझ लीजिए, आज चाइना का जो ट्रेड इम्बैलेंस भारत चाइना के बीच में है, तो आर्थिक पक्ष चाइना के ऊपर एक दबाव के रूप में काम कर रहा है, जो बहुत उत्तेजना पैदा करने से उसे रोकता है। जी, मैं राकेश सिन्हा जी आपके आर्थिक पक्ष पर भी आऊंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी, क्या वाकई राकेश सिन्हा साहब जो कह रहे हैं कि चीन ने पंचशील के उस सिद्धांत को, समझौते को अपने हिसाब से, अपने लाभ के हिसाब से इस्तेमाल किया, भारत को उससे खास फायदा नहीं हुआ? देखिए, कोई भी देश हमेशा अपने राष्ट्रहित में किसी भी चीज का इस्तेमाल करता है, वो दूसरे राष्ट्रहित में नहीं करेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है और कहीं भी है। पंचशील का एक सिद्धांत था जिसमें कि यही है कि भाई पड़ोसी है, किसी तरह के जो अनावश्यक विवाद हैं उसके चलते संबंध खराब ना हो, उनको बैठ के सुलझा लिया जाए शांतिपूर्ण से। लेकिन एक चीज़ जानिए कि जब जब हम ये बात, हम खुद ये शब्द कहते हैं कि भारत चीन सीमा विवाद, इस शब्द में ये इम्प्लाइड है कि हमारा जो दावा है वो चीन को मान्य नहीं है, जो चीन का दावा है वो हमें मान्य नहीं है। जब तक ये शब्द जिंदा है, भारत चीन सीमा विवाद, तब तक देखिए ये सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी। पहले क्या था, चलिए 67 को छोड़ दें, उसके बाद से मैं समझता हूँ कि उतनी ज़रूरत नहीं थी चीन को। लेकिन आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक संबंध के केंद्र बिंदु में आर्थिक संबंध ही हैं। पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, कहीं भी उनको आज आर्थिक संबंध ही और आर्थिक ज़रूरतें ही केंद्र बिंदु में हैं। तो चाइना को भी क्या चाहिए, एक मार्केट चाहिए, बड़ी मार्केट चाहिए। तो इस विवाद को चाइना कभी कभी मौके पर उसको जिंदा कर देता है ताकि वो प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में भारत से, भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। भारत खिलाफ नहीं, मतलब अपना बाजार बढ़ाने के लिए। और हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद जब इस विवाद शब्द का हम खुद इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये दावा बार बार क्यों करें कि जहां वहां कोई परमानेंट लकीर है जो हमारी है। जब जब हम ये दावा करेंगे, ऑब्वियस है चीन कहेगा नहीं। उसका सीधा यह है कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भारत चीन सीमा विवाद समाप्त हो। ये नंबर वन एजेंडे पर होगा तो बाकी सारी चीजें खुल जाएंगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि जिस पंचशील के 5 सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ने की बात हुई है, जिसके सहारे तमाम दुनिया कह रही कि प्रासंगिक है, वहां पर ये एक बड़ा मुद्दा जिसको पहले हल किया जाए, उसके बाद उस फार्मूले पर हम आगे बढ़ें। अलका, मैं एक खबर दिखाऊं, उससे पहले एक रिएक्शन आपका चाहूंगा कि जिस तरह की बातचीत होती है और उसके बीच में जो तमाम तरह की शंकाएं या फिर जो बड़े सवाल हैं, जो राकेश सिन्हा साहब कह रहे हैं, रामकृपाल जी कह रहे हैं, सीमा विवाद एक तरफ है, मैप को लेकर अलग तरह का एक वो दिखता है, और जब बातचीत की टेबल होती है तो वहां पर पंचशील की बात होती है, कैसे दोनों एक साथ या फिर कितना फर्क और कितनी दूरी? मेरी समझ में तो बातचीत बहुत सारे मुद्दों पर हो रही है। चूंकि आज 60वीं वर्षगांठ है तो हम पंचशील की बात कर रहे हैं, और चूंकि ये पंचशील जो थे वो भारत और चीन के जो शुरुआत का जो उनका जो रिश्ता जब बढ़ा तो उनको एक बुनियादी रूप दिया गया,
तो उस बात का थोड़ा सा एक सेलिब्रेशन करते हैं। चीन में ये सेलिब्रेशन ज़्यादा हुआ है, भारत में हमने देखा है कि ज़्यादातर ये माना गया है कि पंचशील चीन ने इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है, क्योंकि एक बात है कि विवाद, जैसे अभी बोला गया है कि अगर दो देशों में, और ऐसे कोई दो देश नहीं है जिनमें विवाद नहीं है, विवाद अपनी जगह है, सिद्धांत अपनी जगह है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं हम कि चूंकि विवाद है इसलिए हमें लगता है कि चीन ने हमारी संप्रभुता या हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उस पर उन्होंने एक अटैक किया है। चीन की तरफ से भी यही परिपेक्ष है कि उनकी संप्रभुता पर ये हमारा दावा है। तो इसको हम अगर दोनों को मिला देंगे तो फिर हमारे सामने जो भारत और चीन का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्वरूप अब उभरना शुरू हुआ है ना, उस पर फिर हम ठीक से अमल नहीं कर पाएंगे। हमारा, हमने देखा है ज़्यादातर हम लोग इस पर इतने भावुक हो जाते हैं कि जो एक ऑब्जेक्टिविटी, जो एक क्लैरिटी चाहिए किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए, वो हम नहीं बना पाते, नहीं तटस्थ होकर हम नहीं देख पाते हैं उस मुद्दे को। और बार बार यही बात कही जा रही है कि चीन हम पर, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नहीं मानता है। तो जब विवाद है तो वो क्यों मानेगा? right. और जो उनके मैप्स, हम क्यों नहीं अपने मैप्स बनाते हैं? मुझे right. आज तक ये नहीं समझ में आया है कि हम अपने मैप्स, जिस तरह से वो दुनिया भर में मैप्स, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं आपको आपके देश का मैप नहीं मिलता। आपको अपने अपने देश में ही, अगर आप चाहें कि आपको सीमा का एक बहुत अच्छी क्लियर मैप मिले, वो अवेलेबल नहीं, वो नहीं है अवेलेबल। ये मैप की बात की, मैं उसकी खबर दिखाता हूँ, उसके बाद चर्चा में लौटूंगा। उपराष्ट्रपति चीन के दौरे पर हैं तो इधर खबरें हैं कि चीन ने एक बार फिर से गलत नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में दक्षिण चीन सागर के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ छेड़छाड़ बताया गया है। भारत ने चीन की ऐसी तमाम कोशिशों को फिजूल करार दिया है। The fact that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India has been clearly conveyed to the Chinese authorities on several occasions, including at the very highest level. Rangachari sahab, kya waqai, jaisa ki sabhi log keh rahe hain ki jab do desh hain jinki seemaye mili hui hain to zahir hai ki vivad 90% देशों में है सीमाओं को लेकर, और जब विवाद है तो फिर तमाम सिद्धांत एक तरफ और सीधे हम उस आरोप प्रत्यारोप के नज़रिए पर आ जाते हैं तटस्थ रहने की बजाय, और शायद यही एक बड़ी चूक है रिश्तों में मजबूती या फिर आगे बढ़ने में। जहाँ तक कि अपने राष्ट्रहित का सवाल है, तटस्थ होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर हम अपने ही राष्ट्रहित से तटस्थ हो जाएंगे तो फिर हम आगे किस तरह से अपनी नीति चला पाएंगे, तो उसको हम अलग रखें। अब जहाँ तक कि ये नक्शे वगैरह का सवाल है, हम भी अपने नक्शे में अरुणाचल को हिंदुस्तान का एक हिस्सा दिखाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा अपने नक्शों में हम हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाते हैं। तो चीन जो है, उनका जो कुछ भी अभी तक के उनका जो स्टैंड रहा है वो हम जानते हैं, क्योंकि आज की बात नहीं है, ये पिछले 60 साल से बात चल रही है, और 59, 60, 61 में जब दोनों देशों के बीच में काफ़ी तफसील से इस बात पे विचार हुआ था, द्विपक्षीय इस बातचीत वगैरह हुई थी, उस वक्त सारा कुछ जो है और दोनों तरफ से जो कुछ कहा गया वो सब छपा भी है, तो इसलिए सब पब्लिक डोमेन में है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रहस्य हो या कोई पब्लिक को जानकारी जिसके बारे में ना हो। तो इसलिए जब तक के इस मुद्दे पे समझौता नहीं हो जाता, हम अपनी बात कहें और कहते रहें, और वो अपनी बात कहें और कहते रहें, ये लाजमी है इस चीज़ को लेकर। बल्कि ये जो अभी जो नक्शा छपा है, इसी के हवाले से जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एक आर्टिकल छपा है, उसमें जिस शख्स ने ये रिपोर्ट लिखी है उसने खुद ये कहा है कि इट मे सीम सिली कि इस नक्शे को लेकर के जंग वगैरह की बात छिड़ जाए एशिया में, लेकिन चूंकि हमारा इतिहास कुछ ऐसा है और चूंकि हम लोग सब जो थे पुराने कॉलोनीज वगैरह थे, इसलिए कुछ मुद्दे ऐतिहासिक ऐसे छोड़ दिए गए यहाँ पर जो कि अभी तक के जिसका समाधान नहीं हुआ है, इसकी वजह से लोग जो हैं, जैसा अभी आप अलका जी कह रहे थे, भावुक हो जाते हैं, तो इसलिए ये इस हद तक भी पहुँच सकता है कि कुछ जंग वगैरह छिड़ने की बातचीत वगैरह हो। लेकिन जो जिस तरह के हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश अभी भी भारत का हिस्सा है,
जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ हिस्सा जो चीन कहता है कि वो उनका है उसमें बातचीत चल रही है, और जो कुछ नतीजा बातचीत के बाद निकलेगा उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा एक समझौता नहीं जो दोनों तरफ को मंजूर हो। अलका, वाकई हाल के अगर दो दशकों में देखा जाए सीमा विवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, इमोशनल मुद्दा जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ रिश्ते भी मजबूत हुए, व्यापार भी बढ़ा है, और यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि शायद आप देखती हैं कि हाल के वर्षों में या फिर आने वाले वर्षों में इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ना होगा। समझदारी इसी में है, क्योंकि आज का दौर जो है वो उसमें जिस तरह से आप देखिए जो आर्थिक भूगोलीकरण हो रहा है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग, लेबर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल का आदान प्रदान, घुमाव फिराव हो रहा है, उसमें अगर हमें अपना विकास ध्यान में रखते हुए, अपने लोगों की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, तो आपसी देशों में, अपने पड़ोसी देशों में, अपने क्षेत्र में हमको सौहार्दपूर्ण एक वातावरण चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम विवाद को समझें और उसको सुलझाने की कोशिश चलती रहे, लेकिन उसको हम बाकी रिश्तों में आड़े ना आने दें, और यही बात 1988 में ये बात समझी गई थी और आगे बढ़ने की कोशिश की थी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं एक तरह से लोगों को भी इस बात का आगाह करना चाहिए और लोगों को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए हमारे देश में कि यहाँ लोग बैठे हैं जो कि इस मामले के की छानबीन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने हितों को वो ध्यान में रखेंगे तो अपने देश को बेचेंगे नहीं। तो उसको चलने दीजिए, और इतना जटिल मामला है और ये कोई आसान, इतने लोगों ने इतनी बातें कही हैं लेकिन अभी तक कोई खास इसमें रोशनी नहीं आई है, तो इसलिए इतनी जटिल समस्या को आसानी से सुलझाया भी नहीं जा सकता है, उसमें टाइम। और अगर आप देखें देशों में जो सीमा विवाद जब सुलझे गए हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल लगे हैं, तो हमें भी लगना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को अगर आप देखें तो सही मायने में 2003 से जब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए गए थे तब से एक नई दिशा की गई और एक राजनीतिक हल की बात की गई। तो 2003 से देखें तो हम 10-15 साल तो टाइम चाहिए इसके लिए, इसलिए इसको हम चलने दें। और ये जो एक विकास का जो एक हम सामने देख रहे हैं चीन के साथ, खासकर ट्रेड, इकोनॉमी, और अभी हमारे उपराष्ट्रपति ने इस बात की चर्चा की कि एक दूसरे के जो अनुभव हैं डेवलपमेंट में उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मुद्दा असल में यह है कि डेवलपमेंट, उसको हमें रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, दो बातें हैं जो चर्चा में आ रही हैं अलग अलग पैनलिस्ट की जो राय है। पहली यह है कि किसी भी देशों के बीच जब सीमा विवाद है तो उन विवादों को बहुत तेजी के साथ खत्म कर पाई हो कोई सरकार, ऐसा मुमकिन नहीं है, और उसके साथ किसी दूसरे रिश्ते को रोका जाए, आगे ना बढ़ा जाए, ये भी मुमकिन नहीं है। तो क्या फॉर्मूला यही है और जो पंचशील के सिद्धांतों के साथ बढ़ने की बात हो रही है, यानी कि बड़ा बदलाव अचानक कुछ हो जाएगा, इसकी कल्पना ही बेकार है? देखिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। 62 के बाद से 2014 तक हम प्रतीक्षा तो कर ही रहे हैं और आगे आने वाले 20 साल तक प्रतीक्षा करेंगे, प्रश्न वो नहीं उठता है। आप मेरे सर पे पत्थर मारे, मुझे ब्लीडिंग हो और हम दोनों दोषी कर घोषित हो जाएं, ऐसा होता नहीं है। जब 1962 में वार हो रहा था तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का एक सेक्शन कह रहा था कि इंडिया इज एग्रेसर, और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन इसी बात पर हुआ कि भारत एग्रेसर है कि चाइना एग्रेसर है। आज जो मुझे आश्चर्य लगा कि यह कहा जा रहा है कि हम भावुक हो जाते हैं, जब चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपनी सीमा का भाग बताता है और भारत के राष्ट्रपति को 3 साल पूर्व अरुणाचल प्रदेश जाकर ये जाहिर करना पड़ा, प्रधानमंत्री को जाकर जाहिर करना पड़ा नहीं अरुणाचल हमारा है। यह स्थिति पैदा ना हो सिर्फ यह देखना है, और इसके कारण यह नहीं कि हम युद्ध तक जाएं। भावुकता का मतलब जो युद्ध तक जाना नहीं है, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यह नहीं है अपनी सीमा को भूल जाना। चाइना ने पिछले 4 साल में कितनी 100 बार इंटरवेंशन भारत की सीमा को क्रॉस किया है वह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन 48,000 किलोमीटर क्षेत्र जो चाइना के भीतर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल एक है, कम से कम उसका तो ऑनर करें। इसलिए मेरा मानना है कि सीमा विवाद को तूल नहीं देना, लेकिन सीमा विवाद को तूल नहीं देते हुए चाइना के उस मकसद को नाकामयाब करना जिसमें अरुणाचल और जम्मू कश्मीर तक उसका क्षेत्र फैल रहा है, भारत में घुसपैठ करा रहा है, इन चीज़ों को रोकना। मुझे लगता है इसका कारण चीन नहीं है, भारत की सरकार की अपनी विदेश नीति कमजोरी थी, विदेश नीति में रियलिज्म आना चाहिए, और चाइना कुछ किस्मत का अच्छा है। भारत में चाइना के बहुत प्रवक्ता मिलेंगे
करेंगे जो कि भारत और चीन विवाद को दोनों को दोषी मानते हैं। भारत कहां से दोषी है? इसलिए भारत में पंचशील के प्रति कोई उत्साह नहीं है। आप देश के किसी हिस्से में पंचशील के प्रति उत्साह नहीं है। लेकिन चाइना की एक बात और समझ लीजिए, कोल्ड वॉर के बाद चाइना की विदेशों में जितनी लॉबिंग बढ़ी है उतना किसी भी देश की लॉबिंग नहीं हो रही है। बुद्धिजीवियों में, मीडिया में और पत्रकारों में चाइना की बहुत लॉबिंग बढ़ी है, स्कॉलर्स के बीच लॉबिंग बढ़ी है। इन इन ग्राउंड रियलिटीज को स्वीकार करके ही चीन के प्रति नीति बनानी पड़ेगी। चीन का हम पीआर नहीं कर सकते यहाँ बैठकर। चीन के दूसरी बात है, ट्रेड बढ़ना चाहिए, हमारा कल सांस्कृतिक संबंध ही बढ़ना चाहिए और भारत लगातार प्रयास कर रहा है इसके लिए। एक बात मैं एक आम इंसान के लिहाज समझना चाहूं, क्या हम सीमा को बदल सकते हैं या फिर हमारे प्रचार तंत्र को? आवाज नहीं आ रही। चलिए यही सवाल रामकृपाल जी, मेरा आपसे जो बात कह रहे थे राकेश जी, ये तमाम चीजें हकीकत हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि क्या हम रातों रात किसी सीमा को बदल सकते हैं, क्या कोई सोल्यूशन मिल सकता है, या फिर जिस तरीके का चीन का आक्रामक प्रचार करवैया है, लॉबिंग करवैया है, या फिर जो अपने मुद्दों को आगे ले जाकर और दूसरे पर प्रेशर डालने का जो एक टैक्टिक्स मैं कहूँ, वो हम शायद उसमें पिछड़े हुए हैं, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देखिए कविंद जी, मैं वही कह रहा हूँ कि सीधी एक बात है, अभी हमारे तमाम सहयोगी विद्वान सहयोगी बात कर रहे हैं कि सीमा विवाद को एक तरफ रखते हैं, बाकी चीज़ें चलती रहें। ऐसा होता नहीं है। सीमा विवाद चाहे पाकिस्तान से हो चाहे चीन से हो, वो बड़ी खबर बनता है। आज की, अब मैं आज की बात बता रहा हूँ, हमारे उपराष्ट्रपति वहाँ इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो टेलीविज़न की खबर नहीं बनी है, बहुत छोटी खबर बनी है। लेकिन ये चीन ने ये जो नक्शा जाहिर किया है, ये इस पर ओवर रिएक्शन मैं देख रहा हूँ सब जगह से है। तो इस रियलिटी को समझ लीजिए कि मासेस में पड़ोसी से तनाव ज़्यादा बिकता है, पड़ोसी से सुलह कम बिकती है। ये बहुत ही साधारण सी चीज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसा रामकृपाल जी, मैं माफी चाहूंगा, इस वक्त सुजाता सिंह जो विदेश सचिव हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी मसले को लेकर आई, सुन लेते हैं कि क्या कह रही हैं। सीन द स्टेटमेंट बाय एमईए, राइट? सो वी रेज ऑल इश्यूज ऑफ कंसर्न in our interactions with the Chinese leadership. Is that China has formally commissioned a study for a railroad, for a rail link connecting Pakistan through the POK. Is this issue being, has been taken up at any level in the past or figured in the talks today? You know, this is the point that I want to make without going into too many details, that these are issues of concern that we raise in our interactions with Chinese interlocutors. There has been a series of high-level exchanges, and our relationship has reached a degree of maturity whereby we raise all issues of concern. We raise our issues, they raise their issues. Further than that, I don't want to go into details. तो बातचीत जो हो रही है, बैठ के चलें, उसका ब्यौरा दे रही थी रामकृपाल जी, जो आप कह रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए प्लीज। नहीं, मैं यही कह रहा था कि देखिए, आज की तारीख में हर देश आर्थिक मुद्दे ही उसके केंद्रीय सारे संबंधों में बनाने में केंद्र में वही है। चीन आज इस लेवल पर पहुंच चुका है। दुर्भाग्य से चीन में रिफॉर्म हमारे यहाँ से बाद में शुरू हुआ, लेकिन चीन आर्थिक तरक्की में हमसे बहुत आगे निकल गया। चीन को जब तक हम आर्थिक रूप से और मजबूत नहीं होते हैं, हमेशा समझ लीजिए, दो अनिक्वल के बीच जल्दी विवाद, कोई विवाद हल नहीं होता है। लेकिन चीन भी आज इस मामले में, चीन की एक मजबूरी है कि चीन को पता है कि भारत एक बहुत बड़ी उभरता हुआ बाजार है, इससे हम दुश्मनी करके चीन को कोई फायदा नहीं होना है। इसलिए कहीं ना कहीं खुद चीन भी ये चाहता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मौके पर हमें ये बार बार जो वो भारत चीन विवाद उठता रहता है सीमा का, जिससे आम जनता प्रभावित होती है और मीडिया में इतनी बड़ी सुर्खी बन जाती है, हमें इसको प्रायोरिटी देनी है कि ठीक है, हम आर्थिक हितों पर तब आएंगे, पहले इसका एक हल बैठ के निकल जाए, ताकि कल को आप ये ना कहें कि ये विवादित क्षेत्र है, न मैं ये कहूँ विवादित क्षेत्र है। चलिए, कम से कम एक रियलिटी पर, रियलिस्टिक चाहे यथास्थितवाद की तरफ ही आइए, लेकिन एक एक उसका टाइम बाउंड हल ढूंढना चाहिए जी।
अलका जी, आप जो कहना चाह रहे हैं उसके साथ मेरा एक सवाल ही था कि क्या वाकई आर्थिक जो एक मोर्चा है ये सबको बराबर खड़ा करने में कामयाब हो सकता है या करीब लाने में, या फिर मैं कहूँ कि टेंशन्स को कम करने में? अवश्य, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं शुरू में बस दो बातों पर प्रतिक्रिया करना चाहूँगी कि अभी जो रामगोपाल जी ने कहा कि विवाद को एक तरफ रखो, रिश्ते बंद करो, ऐसा होता नहीं है। आप देखिए 2000 से $2 बिलियन था, आज 60 बिलियन से ज़्यादा हो गया है ट्रेड। और आप देखिए जो भारत चीन संबंध हैं वो कितनी दिशाओं में आगे बढ़े हैं, आप चाहे वैश्विक स्तर पर ले लीजिए, क्षेत्रीय स्तर पे ले लीजिए, आदान प्रदान कितना हो रहा है, डायलॉग्स कितने बढ़ गए हैं, स्टूडेंट्स एक्सचेंज हो रहा है, तो एक रिश्तों में एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस आ रही है। और विवाद पर जो है डिस्कशंस और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वो भी चल रहा है। दूसरी बात ये है कि ये लॉबिंग है। देखिए अगर हम जैसे हम स्कॉलर्स हैं और बुद्धिजीवी हैं, वो इस मामले में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आजकल निकल के आ रही हैं जो पहले हम लोगों को खुली नहीं थी, रिसर्च के आधार पे हम बात कर रहे हैं, ये लॉबिंग की बात नहीं है। और ये तो हमारे जिसको कहते हैं ना स्कॉलरली, उस पर आप फिर एक चीटाकशी करें कि हम लॉबियस्ट हैं, तो ये तो मुझे इस बात से सख्त मैं खिलाफ हूँ। लेकिन जो इकोनॉमिक जो आप बता रहे थे, ये अवश्य है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमी की वजह से युद्ध ना हो, हो चुका है, लेकिन ये है कि इकोनॉमी अगर आप बढ़ाएंगे तो एक दूसरे में स्टेक्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ेंगे। मैं इसी बात पे ये कहना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि चूंकि हमारे जो आर्थिक संबंध हैं वो और सुदृढ़ हो जाएं, उसकी वजह से जो तनाव है वो ज़रूरी नहीं है कि कम हो जाए। अब देखिए चीन और अमेरिका के बीच में कितना बड़ा ट्रेड है, लेकिन तनाव बरकरार है, लेकिन तनाव भी बरकरार है साथ साथ। तो इसलिए हमें जो चाहिए, हमें तो जैसे कहते हैं कि दो कदमों पे चलना है। एक तरफ तो ये है कि जिस तरह से भी हो सके आप अपने संबंध बढ़ाएं, दूसरी तरफ अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि अगर भगवान ना करे अगर कोई ऐसी कोई स्थिति हर ऑप्शन पैदा होती है, खुद को मजबूत रखें, खड़ा रखें। जी, हम जो अपने आप डोमेस्टिकली हमको जो कुछ करना है वो हमें करते रहना है, हर तरह की तैयारी होनी चाहिए। राकेश सिन्हा साहब, संक्षेप में सर एक आखिरी कमेंट आपका, नई सरकार है, किस तरह की उम्मीद है, किस तरह की बदलाव आपकी नजर में होना चाहिए? देखिए रामकृपाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि दो अनेकल्स के बीच संबंध अच्छे होने की संभावनाएं कम रहती हैं और आपकी शर्तों पे वो संबंध अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है नई सरकार इस बात को ध्यान में रखे हुई है। दो बातें सरकार देख रही है, एक तो अपनी सुरक्षा कामयाबी को दिखाना चाइना के सामने, दूसरा अपने आर्थिक विकास को उस स्तर तक ले जाना, लेकिन उसके साथ साथ निगोशिएशन डायलॉग चलता रहेगा। वार मॉन्गरिंग इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये प्राथमिकता वह बॉर्डर सॉल्यूशन होना ही है। चीन को यह आज न कल मानना पड़ेगा कि इस तरह की हरकतें से भारत चीन के संबंध में खटास आएगी, ट्रेड पर भी प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। कम से कम जो क्षेत्र विवादित है वो तो है, लेकिन अब नए विवाद क्रिएट करना और उसका समर्थन करना, उसे सतही विवाद कहना, यह स्वीकार्य इस देश में नहीं हो सकता। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास मसले पर चर्चा में जुड़ने के लिए। और यह थी हमारी आज की पहली खबर।